कॉन्सेप्ट अभी इंडेक्स आपका अभी स्टॉक एक्सचेंज का आएगा, सेंसेक्स का आएगा। चलिए स्टार्ट करें बच्चे। इस क्वेश्चन में देखें, इन 1991 फॉर द वर्किंग क्लास पीपल वीट वॉज द सेलिंग एट द एवरेज ऑफ द प्राइस 100 रुपीज पर 10 kg। तो पहले ग्रुप्स लिख लेते हैं। ग्रुप्स में क्या है आपका? वीट है और यूनिट भी है इसकी मेंशन 10 kg। प्रीवियस प्राइस भी गिवन है कि कितने में लेते थे पहले आप इसको? 100 रुपीज में। क्लॉथ एट द 40 रुपीज पर मीटर, यूनिट 1 मीटर 40 रुपीज। हाउस रेंट 300 रुपीज पर हाउस, रेंट वन हाउस का 300 रुपीज। एंड द मिसलेनियस आइटम्स डबल इन द, अभी तो मैंने कुछ और पकड़ लिया, 40 रुपीज पर मीटर। हाउस रेंट द 500 रुपीज। हाउस रेंट कितना है? 500 रुपीज पर हाउस। एंड मिसलेनियस आइटम इज 20 रुपीज पर यूनिट। एक मिसलेनियस आइटम है जो भी है 20 रुपीज पर यूनिट। अब ये तो बात किसकी कर रहा है? ये बात कर रहा है 1991 की बात कर रहा है, बेस ईयर हो गया। अब आगे क्या कह रहा है? बाय 2001, 2011 में क्या हुआ? बाय मीन्स चेंज कॉस्ट ऑफ द व्हीट राइस बाय, राइस है ये, गलत लिखा हुआ है, राइस बाय। बाय मीन्स चेंज आया, तो अब जो न्यू प्राइस है वो आपका 150, 50 रुपए बढ़ गया प्राइस, तो 150 हो गया। हाउस रेंट इंक्रीज बाय 300 रुपीज पर हाउस, तो अब आपके पास में हाउस रेंट, तो ये आपके पास में 800 हो गया प्लस 300 हो गया, तो क्लियर है। एंड द मिसलिनियस आइटम डबल, तो ये डबल हुआ तो इसमें इसका मतलब क्या हो गया? ये 40 हो गया आपका। आगे क्या कहता है? द वेट ऑफ द ग्रुप इन ऑर्डर वर द रेशो। अब डबल वेट दिया हुआ है आपको यहां पे, वेट क्या दिया हुआ है आपका? 1:2:4:1, जिसको कि आप एक्स में ही आप एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि रेशियो कभी भी हो तो आपको डेटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। द वर्किंग क्लास कॉस्ट ऑफ द लिविंग इंडेक्स वन विद बेस ईयर दिस, आपको ये इस बार गिवन है, इंडेक्स निकालना नहीं है। बाय हाउ मच द क्लोथ प्राइस राइज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस, क्लोथ का क्या राइज हुआ है? तो हम यहां पर लेट कर लेते हैं कि जो क्लोथ है, लाइक यहां तो एक्स मैंने लेट कर लिया, तो वाई से मान लेता हूं कि क्लोथ जो है वो मेरा पहले 40 था, तो अब 40 प्लस वाई हो गया, ये क्लोथ हो गया। ठीक है बच्चे, अब सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कैलकुलेट करोगे आप? या प्लस में मत लिखो इसको, लाइक वाई हो गया। ठीक है, हाँ जी। तो सबसे पहले आपको पी कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसमें P1/P0 × 100 करेंगे आप। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा? ये आपका 150 आ गया, और ये आपके पास में Y/40 × 100, ये करोगे ना आप? Y/40 × 100, तो करो 40/100, इसी 100/40, 2.5। तो बेसिकली क्या जाएगा? 2.5 Y। ठीक है, एंड इसके पे आपका देखोगे 800/500, 1.6 × 100, 160, एंड 200। क्लियर है बच्चे? अब आपको क्या निकालना है? पीडब्ल्यू, तो 150 × 150x, 5xy मतलब 2.5 × 2, 5x × y, एंड 640x 200x। अब फॉर्मूला क्या कहता है इसका? समेशन ऑफ
पीडब्ल्यू आप करेंगे दिस वन, तो आपके पास में 150, 200 प्लस 640 प्लस 150, तो 990x प्लस 5xy एंड समीशन ऑफ w दिस वन, समीशन ऑफ w, तो आपके पास में 3 और आप 7 और आपके पास में 8x कैलकुलेट करेंगे. P01 इक्वल टू समीशन PW अपॉन समीशन W. P01 ऑलरेडी आपके पास में गिवन है, क्या गिवन है P01? 175 इक्वल्स टू 990x प्लस 5xy अपॉन समीशन W. अब समीशन W क्या आपके पास में बच्चे 8x है, क्लियर है? तो सॉल्व करेंगे हम 175 इंटू 8 1400x, ठीक है. आगे हम सॉल्व करेंगे 990x प्लस 5xy, यहां सॉल्व करेंगे अब आप 1400 माइनस 990 440 410x इक्वल्स टू 5xy 10 अपॉन, y इक्वल्स टू 82, क्लियर है बच्चे? y कैलकुलेट कर आपने, y इक्वल्स टू 82. आपके पास में y आपका नया प्राइस है, तो पहले प्राइस क्या था आपका 40, अब प्राइस क्या हो गया आपका P0 पहले 40 था, अब P1 क्या हो गया किसका, क्लोथ का 82, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ 42, तो वही आपसे सवाल पूछ रहा था कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो 42 केस का आंसर है. क्लियर है बच्चे, समझ में आ गया आपको? कोई डाउट है तो पूछिए भैया. क्लियर है? अब एक क्वेश्चन और देख लेंगे. देखें ये आपको ये नॉट अवेलेबल है, इसको आप x कंसीडर कर लें, इसको आप अलग वेरिएबल y कंसीडर कर लें. परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं बच्चे, w. ये आपके पास में ग्रुप इंडेक्स है, क्लियर है? और ये आपके पास में परसेंटेज एक्सपेंडिचर, ये w हो गया आपका, और ये आपका p हो गया, ठीक है. अब आपको क्या निकालना है, PW. तो PW कैलकुलेट करेंगे अगर आप 268 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आपका 16080. उसके बाद 280x, देन नेक्स्ट 2142 डबल जीरो, ठीक है. उसके बाद 240 इंटू फाइव 1200 एंड लास्ट 260y. क्लियर है? तो ये मेरे पास में क्या आ गया, PW. अब यहां पर आप देखेंगे समेशन ऑफ PW आपके पास में आया 16080 प्लस 4200 प्लस 1200, तो 214 81480 प्लस 280x प्लस 260y. अभी परसेंटेज में है ना हमारे पास में एक्सपेंडिचर 60 20 5. आपको ये भी पता होना चाहिए जब हमारे पास में
एक्सपेंडिचर डब्ल्यू जो परसेंटेज में है, तो यहां पर बेसिकली टोटल कितना होता है 100% होता है, तो 100% होगा ना परसेंटेज में, तो आपका 80-85% प्लस एक्स प्लस वाई, तो यहां पर आपके पास में एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। ठीक है बच्चे, क्लियर है। अब यहां पर आप देखें आपके पास में गिवन क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर द वेट वॉज द फाउंड टू बी 255.8, तो आपके पास में गिवन इस बार क्या P01 इक्वल्स टू समीशन PW अपॉन समीशन W, तो P01 आपके पास पे 255.8 एंड PW 21480 प्लस 280x प्लस 260y अपॉन समीशन W। समीशन W क्या आपके पास में आपका 100 है, तो सॉल्व करेंगे 25580 माइनस 21480 इक्वल्स टू 280x प्लस 260y, यहां के मल्टीप्लाई हो जाएगा ना बच्चे, तो ये आएगा, इसका यहां पर आकर आप सबट्रैक्ट कर सकते हैं, तो रिजल्ट क्या बचेगा आपके पास में 25580 माइनस 21480, तो 40 ये आपका बचेगा बच्चे 280x प्लस 260y इक्वल्स टू 40100। क्लियर है बच्चे, तो अब आपके पास पे दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं आपके, ये 20 से डिवाइड हो रहे हैं, 20 कॉमन निकालूंगा अगर मैं तो 0 और 2 14x 13y एंड 20 से करूंगा तो 0 और ठीक है 205 आ गया। अब मेरे पास में दो इक्वेशंस हैं, एक ये है और एक इक्वेशन मेरे पास में एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 15। क्लियर है, तो यहां पर मुझे क्या करना है किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू सेम करनी है, तो 14 रखना है तो मैं मल्टीप्लाई बाय क्या कर देता हूं 14, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा ये 14x प्लस 13y इक्वल्स टू 205 एंड 14x प्लस 14y इक्वल्स टू 15 into 48 तो 210। अब आप एक वेरिएबल एलिमिनेट करेंगे, टू वेरिएबल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो बुक सॉल्व भी नहीं करती आजकल, बता देती है आप खुद करो, तो माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 5 कैंसिल एंड एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 5, तो एक्स की वैल्यू क्या आई बच्चे 5, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, तो आपको समझ में आ गया तो यहां पर क्या है 5 और यहां पर क्या आपका 10, यही आपसे पूछ रहा था मिसिंग और यही आपका आंसर है। क्लियर है, अब बच्चे हम नेक्स्ट क्लासेस पे नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा।